दखल न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सड़क और पुल ना होने की समस्या झेल रहे करौंदिया गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। दखल न्यूज की खबर देखकर शासन प्रशासन की नींद टूटी और अब सीएमओ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत निराकरण की अनुमति मांगी है। दखल न्यूज जमीनी हकीकत ऐसे ही दिखाता रहेगा, बिना डरे बिना रुके, क्योंकि हम बात करते हैं आपके हक में। करौंदिया गांव के लोग सड़क और पुल ना होने की समस्या झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में गांव टापू में तब्दील हो जाता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा करौंदिया गांव में रहने वाले लोग जैसे तैसे नदी पार करते हैं, पर गांव में ना ही पुल है और ना ही सड़क। बच्चे माता पिता के कंधे पर बैठकर नदी पार करते हैं और फिर स्कूल पहुंचते हैं। नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। दखल न्यूज ने पहले ही इस खबर को प्रमुखता से उठाकर शासन को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया था। अब शासन की नींद टूटी है। सीएमओ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत निराकरण की अनुमति मांगी है, क्योंकि अभी प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में अस्थायी मार्ग बनाए जाने की अनुमति मांगी गई है। जिला निर्वाचन से अनुमति प्राप्त होने पर निकाय आवागमन की अस्थायी व्यवस्था कर सकेगा। वहां लोग अस्थायी व्यवस्था बनाए थे तो अभी टूट गया है, तो उसमें अस्थायी रूप से भी डोले वोले डालने की व्यवस्था दी। अभी वर्तमान में आचार संहिता प्रभावशील है, यदि निर्वाचन आयोग से अनुमति मिल जाती है तो वहाँ तत्कालिक रूप से स्थायी व्यवस्था आने जाने के लिए की जाएगी। और वहाँ के निवासियों को भी मतदान बहिष्कार के संबंध चर्चा आई मीडिया के माध्यम से, उनको समझाइश दी गई है कि आप मतदान करें, निकाय के पास जो भी यथा व्यवस्था होगी उसको निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर की जाएगी। सर, चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।